सुजानगढ़ के मांडेता पास स्थित नाथ जी आश्रम में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। श्री काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर स्वामी कानपुरी शिवाश्रम से कलश यात्रा डीजे के साथ भजनों के बीच रवाना हुई। मुख्य यजमान टीकम चंद मंडा ने कथा को सिर पर धारण करके कथा स्थल तक पहुंचाया। रथ पर कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज सवार रहे, जबकि महिलाएं कलश सिर पर धारण करते हुए चल रही थी। उसके बाद कथा स्थल पर विधिवत रूप से पंडित कृष्ण गोपाल शास्त्री माला राम सारस्वत ने श्रीमद भागवत कथा का पूजन करके कथा का शुभारंभ करवाया। कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने प्रथम दिन कथा के महात्म्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद भागवत कथा के श्रवण से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। वहीं इस अवसर पर सरलनाथ महाराज, शिव प्रकाश, शिव भगवान रुहेला, गोपाल प्रजापत, गिरधारीलाल गोदारा, भोमा राम बिजाणी, पिता राम जानी, शिव प्रकाश गोरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ के लुहारा गाड़ा स्थित ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय चैतन्य देवी दर्शन झांकी कार्यक्रम के तहत बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने दीप प्रज्वलन करके झांकियों का शुभारंभ किया। जांगिड़ समाज के अध्यक्ष जनार्दन जांगिड़, गिरधारी लाल जांगिड़, बाबूलाल जांगिड़, केंद्र संचालिका बीके सुपरभा, बीके नागेश, गणेश मल सोमानी, रामकिशन जांगिड़, रतनलाल प्रजावत, मांगीलाल राखेचा आदि लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जयपुर से आए बीके नागेश ने परमात्मा शिव का परिचय करवाते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग से इंद्रियों पर शासन किया जा सकता है। बीजेपी नेता बीएल भाटी ने ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू का अनुभव बताते हुए कहा कि मुख्यालय माउंट आबू को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। वहीं जांगिड़ सभा अध्यक्ष जनार्दन जांगिड़ ने चैतन्य देवी झांकियों को अद्भुत बताया। शारदा प्रजापत ने देवियों के सामने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं उपस्थित लोगों ने भी डांडिया रास किया। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय में उद्योग और वाणिज्य विभाग चुरू की ओर से रोजगार सृजन हेतु 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को महाप्रबंधक नानू राम गहनोलिया ने सरकार की रोजगार संबंधी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक और ऋण संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैंक अधिकारी ने भी ऋण संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सभी लोगों को कपड़े के थैले बांटकर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की अपील की गई। शिविर को सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस गोरी ने भी संबोधित किया। शिविर में उद्योग विभाग की ओर से उद्योग प्रसार अधिकारी फिरोज भाटी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नानक राम, कनिष्ठ सहायक रोहित चौहान आदि लोग मौजूद रहे। उद्योग केंद्र, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चूरू के द्वारा आज ये औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर नगर परिषद सुजानगढ़ में रखा गया है। इसमें विभागीय योजनाओं की उद्यमियों को जो कार्य अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं उनको जानकारी दी गई है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इनके संबंध में इच्छुक व्यक्तियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। और हमारे साथ में बैंक प्रबंधक श्री मानवेंद्र जी उपस्थित हैं। इन्होंने बैंक की प्रक्रिया के संबंध में अवगत करवाया है। इस कैंप के माध्यम से आज एक हमने प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश भी देना चाहा है। इसके लिए ये कैरी बैग वितरित किए हैं और लोगों को ये अवगत कराया है कि प्लास्टिक से कितने नुकसान होते हैं, इसको अपने को सामाजिक अपने जनसाधारण से हटाना है। और इसकी जगह जो वैकल्पिक उत्पाद जो बताए गए हैं सरकार के द्वारा उनको यूज में लेना है। यदि उनकी इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगती है वैकल्पिक प्रोडक्ट की तो उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे। ये इन योजनाओं का जानकारी देने के लिए कैंप रखा गया है। उपस्थित लोग उपस्थित हुए, इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया है और हमसे प्रश्नोत्तरी करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाया है। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 39 में स्थित सुने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बांड्यावास में शंकरलाल गोड व उनका परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार को जयपुर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने घर में चोरी कर ली। बुधवार दोपहर मकान मालिक सुजानगढ़ आए। मौके पर कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी, पार्षद लियाकत अली भी पहुंचे। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप मीणा ने मौका मुआयना किया। शंकरलाल गोड़ ने बताया कि चोर उनके घर से 2 हार सोने की 4 चूड़ी, 2 जोड़ी कान के, 1 जोड़ी झुमरी सोने की, 1 नोज पिन ले गए। इसी प्रकार चांदी के सामान की बात की जाए तो 2 जोड़ी पायल, 2 चेन, 1 पेंडल, 1 गिलास, 18 सिक्के व 13,000 रुपये नगद चोर चोरी करके ले गए। और मैं सोमवार को जो है जयपुर गया था मेरे भाई के ट्रिप पर कोई फंक्शन में, और आज मैं जब वापस आया तो मालूम पड़ा कि गेट खुला हुआ पड़ा है और अंदर सब कुछ
गायें वगैरह वो अंदर गई हुई थी, धान खा गया वापस। जब हम 4 बजे आए शाम को और जाके जब संभाला देखा तो वो घर के ताले टूटे हुए थे, बाहर से गेट का मेन ताला टूटा हुआ था, अंदर भी सारे खुले थे कमरे। उसके बाद में अलमारी वगैरह संभाली तो उसमें जो सोने के गहने वगैरह पड़े थे और सारे के सारे क्या क्या, उसमें 2 हार हैं, 4 चूड़ियाँ हैं, 2 जोड़ी कान का है, 1 जोड़ी झुमरी है, 2 जोड़ी पायल की है, 3 चांदी की चेन है, 1 चांदी का पेंडल है, 1 टीका है, 9 स्पिन है, ये सब चांदी के है और सोने के हैं, और 1 चांदी का गिलास है। तो इस तरीके से हमारा